एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू गाइस एंजॉयड माय लास्ट वीडियो ऑफ द यामा इवेंट। सो एज आई हैव टोल्ड यू गाइस इन द प्रीवियस वीडियो दैट आई एम सरप्राइज, मैं एक प्रॉब्लम से जो है अपनी बाइक में फेस कर रहा हूँ। बहुत ही बेकार प्रॉब्लम हो गई है। मतलब यार पिछली राइड में मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, लेकिन उतना ही यार फटका भी लग गया बाइक पर। तो प्रॉब्लम गाइस ये है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी बाइक में, जैसे कि ये अपना RPM है, इस लीटर आप देखते हैं तो चलता है, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है इसकी बाइक की, चाहे मैं कोई से गियर हूँ। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ। देखिए आप लोग देखिए, ये सेकंड गियर में लगी है भाई, फर्स्ट में देखिए। देखा आप लोगों ने भाई, मतलब इतनी बुरी चल रही, मतलब पूरा RPM इसका आया जा रहा है, लेकिन भाई स्पीड नहीं पकड़ रही यार। मतलब दूसरे गियर में, पहले गियर में 40-45 पहुंच जाती है, और दूसरे गियर में शायद 20-20 भी नहीं है। इतनी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है भाई। ये रेगुलेटर मैं ले रहा हूँ तो फर्री भागी जा रही है, मैंने क्लच दबा रखा और जैसे यूँ होता है ऐसे, वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही है, होती ज़रा सी, मतलब बस चलने भर की चल रही है। अभी एक भैया से मैंने थोड़ा सा धक्का लगवाया, उन्होंने चढ़वाई ऊपर, मतलब बाइक चढ़ ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने कैमरा भी ऑफ कर दिया कि पता नहीं क्या। अब देखिए चौथे गियर में बाइक चल रही है, फिर भी देखिए रेस प्रॉब्लम ना आई हो बाइक में। अब यार अगर कुछ लंबा फॉल्ट हो गया तो यार हालत ख़राब हो जाएगी। अगले महीने मतलब नवंबर 1 को ही मैंने ये बाइक परचेज़ की थी, 1 साल भी नहीं हुआ है बाइक को गाइस, और आप लोग देख सकते हैं मतलब आज इस कंडीशन में आ गई है कि धक्का लगवाना पड़ रहा है मुझे एक चढ़ाई चढ़ाने के लिए। बाइक सीधे सीधे ही बड़ी मुश्किल से चली, देख रहे हैं आप लोग छठे गियर में है ऐसे चल रही है, मतलब छठे गियर में गाड़ी चलेगी नहीं। क्या ही बोले यार, फिर आप लोग बता दें क्या उसमें वहाँ क्या खर्चा आता है। तो भाई हम लोग सर्विस सेंटर गए थे और अपने बाइक को दिखाया, लेकिन वही है कि अभी कुछ क्लच एडजस्ट करके जो है इन्होंने सही कर दिया बाइक, और बताया है कि क्लच प्लेटें बाइक की चली गई हैं, कह रहे हैं दिवाली के बाद इसको सही कराइएगा, अभी जो है फ़िलहाल जब तक चल रही है चलाइए। तो अब मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था कि वारंटी भी खत्म हो जाएगी अगले साल नवंबर में, लेकिन अब क्या किया जा सकता है अभी। लेकिन बाइक फ़िलहाल अच्छी से चल रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चल रही है। चलती है ये टेम्प्ररी जुगाड़ है, बस से कोई दिक्कत ना हो बाइक में, कोई इशू मुझे ना हो, बाकी सब तो भाई गाड़ी अब सही चल रही है बिल्कुल जैसे पहले चलती थी, कोई शिफ्टर वगैरह सब एकदम प्रॉपर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, अब लग नहीं रही। Thank you.
तो राहत मिली दिल में कि यार सही होगी ये कुछ। हाँ भैया बता रहा था कि शायद जो एडजस्टेबल वाले क्लच और ब्रेक लीवर लगाएं इनकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। फोर में तो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या सुबह।